आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। एनटीपीसी खरगोन ने WR IRSM बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में विजेता ट्रॉफी जीती। IRSM 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन एनटीपीसी खरगोन द्वारा अपने टाउनशिप क्षेत्र में उत्साह के साथ किया गया। मैच आनंदम बैडमिंटन कोर्ट और अन्य संबंधित कार्यक्रम मंगलम में आयोजित किए गए। आयोजन 21/4/2023 को शुरू हुआ और 23/4/2023 तक जारी रहा। टूर्नामेंट में कोरबा, सिपत, पश्चिम क्षेत्र मुख्यालय, लारा और गाडरवाड़ा की टीमें खरगोन के साथ शामिल हुई। कार्यक्रम की शुरुआत एक उद्घाटन समारोह के साथ हुई, जिसमें WR2 क्षेत्र के विभिन्न बिजली संयंत्रों से आने वाली टीमों का दिल से स्वागत किया गया। इसके बाद आनंदम में मैच शुरू हुए। भाग लेने वाली टीमों के दर्शकों के लिए कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया। बैडमिंटन टूर्नामेंट को महिला एकल, पुरुष एकल, मिश्रित युगल और टीम स्पर्धा जैसी श्रेणियों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक वर्ग में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद टीम खरगोन ने पुरुष एकल, मिश्रित युगल और टीम स्पर्धा की श्रेणियों में जीत हासिल की। महिला एकल में सिपत ने मैच जीता। समापन समारोह में टीमों को उनके 3 दिवसीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया और विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। ढोलक की थाप पर विजेताओं ने ट्रॉफियां प्राप्त की। BUH खरगोन ने अपने अनुभव साझा किए और टूर्नामेंट को सफल बनाने वाले खिलाड़ियों और गणमान्य व्यक्तियों की प्रशंसा की। महाप्रबंधक ONM, महाप्रबंधक और स्पोर्ट्स काउंसिल के प्रमुख ने कार्यक्रम में अपने अनुभव साझा किए। समापन रात्रि भोज और सांस्कृतिक संध्या के साथ हुआ। आजाद न्यूज के लिए बेडिया से राजेंद्र नामदेव की रिपोर्ट।